हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की कोर सर्विस के बारे में, जिसका एक नया अपडेट आया है। और उस अपडेट बोले तो उस अपडेट के बाद क्या चेंजेस हुए वो तो मैं बताऊंगा ही, साथ में बताऊंगा कि सैमसंग की जो कोर सर्विसेज होती है ये क्या काम करती है और ये आपको अपने मोबाइल में क्यों अपडेट करके रखना चाहिए। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग कोर सर्विस के बारे में। तो उसको सबसे पहले बता दूं, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। आप अपने गैलेक्सी स्टोर में देखेंगे तो आपको ये नया अपडेट दिख रहा होगा। ये नया अपडेट अभी वहां पर अवेलेबल हुआ है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं ये होती क्या है और कैसे इसको आप यूज कर सकते हैं, ये किस काम का होता है सैमसंग कोर सर्विस। यहां पर आप देखेंगे इस अपडेट में क्या 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 इंप्रूव सर्च परफॉर्मेंस एंड फंक्शनलिटी। तो आप जैसे आपसे नाम देख रहे हैं, सर्च परफॉर्म मतलब कि ये सर्चिंग के लिए काम करता है और फंक्शनलिटी करता है। तो आप यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे इस ऐप के बारे में, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये किस काम आता है, सर्च करने के लिए काम आता है और जो भी चीज़ आप यहाँ पर सर्च करते हैं सब आपके इसके थ्रू होता है। तो आपको पहले तो इसको अपडेट करने लगा, अपडेट होने का मैं बताता हूँ एक्चुअल में आप इससे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं और ये कैसा यूज़ होता है। तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ, अपडेट होने के बाद आपको बताता हूँ। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं ये अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद बता दूं एक्चुअल में यूज कैसा होता है। तो ये सर्च के लिए यूज किया जाता है। यहां पर आप देखेंगे स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे आपको सर्च के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं एक्चुअल में कैसे वर्क करता है वो और मैं बता दूं। मैं आपके आ गया हूं बाहर, अपडेट होने के बाद यहां पर आकर लिखता हूं। लाइक मैंने यहां पर लिखा, मैंने पास यहां पर लिख दिया एनिमल या जो भी चीज, अगर आपको यहां पर माउंटेन लिख लेता हूं। लाइक मैंने माउंटेन यहां पर लिख के सर्च मारा, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पर माउंटेन लिख के सर्च मार लिया। अब यहाँ पर जो भी माउंटेन से रिलेटेड मेरे पास गैलरी में फोटो है वो आ गई, नीचे यूट्यूब्स की ऐप की आ गई, यहाँ पर अमेजोन, मतलब जहां जहां आपने माउंटेन का कुछ भी होगा वो ऑटोमेटिक फाइंड कर लेगा। ये सब जो काम करता है सैमसंग कोर सर्विस काम करती है सबको चीज लेके, ताकि जो भी आपके पास रिजल्ट आए वो एक्यूरेट रिजल्ट आपके पास वहां पर आए। लाइक मैंने यहाँ पर सर्च मारा बाइक, ठीक है। अब बाइक से रिलेटेड जो भी फोटो होगी वो दिख रही होगी, कोई मैसेज होगा वो आगा, यूट्यूब की वीडियोस आ गई और ये नीचे गेम्स वेम्स भी आपको दिख रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये पूरा सैमसंग कोर सर्विस करती है। यहाँ पर आपको सेटिंग्स, कॉन्टैक्ट्स और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। लाइक मैंने यहाँ पर सैमसंग लिख के सर्च मारा, ठीक है। तो सैमसंग रिलेटेड जो भी एप्स हैं वो आपको ऊपर दिख गई, सैमसंग मेंबर आ गया, उसमें नीचे डिटेल आ गई, सैमसंग अकाउंट्स आ गया, नीचे सैमसंग की सेटिंग्स मिल रही हैं और आपको देखेंगे नीचे मेरे पास जो भी कॉन्टैक्ट है सैमसंग के वो दिख गए, जिस नाम सेव करे हुए हैं, जो भी मैंने कुछ ब्राउजिंग करी होगी सैमसंग रिलेटेड वो आ गई है। ऐसे स्क्रीनशॉट होंगे सैमसंग से रिलेटेड आप देख रहे होंगे, 99 प्लस सैमसंग गैलरी से गैलरी में पड़े हुए हैं। वीडियोस होंगी सैमसंग से रिलेटेड वो आ गई हैं, मतलब जहां जहां मैंने सैमसंग कीबोर्ड यूज हो रहा होगा मेरे मोबाइल में सब उसने ऑटोमेटिक फेच कर लिया। तो ये सब जो चीजें काम करती हैं इसको सैमसंग कोर सर्विस कहा जाता है। तो इसको अपडेट करने से फायदा ये होगा कि जो भी इसका परफॉर्मेंस है इन्हांस हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छे से इसको कर सकते हैं। लाइक मैंने सनी नाम से सर्च करा तो मेरे पास जो भी गैलरी में सनी नाम से रिलेटेड होगी वो आ गई हैं फोटोज, नीचे ऊपर मेरे कॉन्टैक्ट आ गए, मेरे पास सैमसंग नोट्स में सनी अरोड़ा नाम से जो कर रखा वो आ गया, वॉइस में मैंने अगर बोला होगा सनी अरोड़ा तो उसने डिटेक्ट कर लिया, कुछ मैंने सर्च मारा होगा वो आ गया है, ऐसे ही मेरे पास फॉर्म डायलर आ गया है, मैसेज आ गए हैं जहाँ जहाँ सनी यूज़ हुआ है, जहाँ मेरे फोल्डर्स हैं, मतलब कि ये जो पूरी परफॉर्मेंस को जो इम्प्रूव करता है उसको सैमसंग कोर सर्विस कहा जाता है। तो उसको आपको अपडेट करना चाहिए जिससे आपकी मोबाइल की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हो सकती है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे मैं आ गया हूँ वापस गैलेक्सी स्टोर पर, तो इसका मेन काम है देखेंगे आप यहाँ लिखा भी हो इम्प्रूव सर्च एंड परफॉर्मेंस फंक्शनलिटी, और इसका आराम काम क्या है सैमसंग कोर सर्विस इन एप्लीकेशन फॉर क्विक एंड ईजी प्रोविजन ऑफ मेन फीचर यूज बाय सैमसंग एप्लीकेशन मतलब ये काम क्या करता है, ये एप्लीकेशन के बीच में मीटर का काम करता है, इसमें कौन कौन सी एप्स को सर्च करता है ज्यादातर सैमसंग एप्लीकेशन सच एज कैमरा, गैलरी, मैसेज, कॉन्टेक्ट, सेटिंग, फाइंडर, ये सब चीजों को यहां पर सर्च करता है। और यहां पर आप देखेंगे इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है इनहांस कर दी गई है और जाकि बहुत ही स्पीड पे आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। तो यार मुझे तो ये बहुत पसंद है। यहां पर मैंने आपको कुछ चीजें सर्च करके दिखाई, लाइक आपके मोबाइल में कुछ ऐसी फोटोज हो, लाइक मैंने यहां पर लिख दिया वाटर। अब ठीक है, जहां जहां हमारे पास वाटर होगा वाटर से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो कुछ सर्च कर लेगा। लाइक ऊपर वाटर मार्क आ गया है, नीचे सेटिंग में वाटर मार्क आ गया, कैमरे के अंदर वाटर मार्क से रिलेटेड मेरे पास फोटोज हैं वाटर से रिलेटेड वो आ गई है, माय फाइल में भी उसने वो फोटोज को डिटेक्ट कर लिया है, नीचे आएंगे तो वीडियोज आ गई है और नीचे आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा। तो ये ऐसा काम करेगा, आपको जहां जहां इसको ढूंढना हो आप इसको ऐसा सर्च कर सकते हैं। लाइक मैंने यहां पर लिखा सेटिंग्स, ठीक है।
अब मैंने सेटिंग्स करा तो ऊपर सेटिंग आ गया, नीचे फाइंडर सेटिंग आ गई, उसके नीचे एडवांस सेटिंग आ गई, मैसेज सेटिंग, डार्क सेटिंग, जहां जहां सेटिंग्स होंगी, स्क्रीनशॉट आ गया सेटिंग से रिलेटेड, तो ये सब चीजें आपको यहां पर मिल रही है, तो उसी को ही सर्च इंजन कहा जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी वीडियो कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना भी ना भूलें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।